मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। नमस्कार, पलपल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ खुशबू अख्तर और आज जिस खबर को लेकर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ वो बहुत ही सुकून देने वाली है। जी हाँ, ये खबर आ रही है उन 28 मुस्लिम स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने UPSC क्लियर किया है। ये खबरें आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी क्योंकि हमेशा मुस्लिम समाज के बारे में एक बात बहुत ही क्लियर तौर पर कही जाती है कि मुस्लिम पिछड़ा वर्ग है जो कि पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों से पीछे रहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये खबर बहुत ही सुकून देने वाली है कि 28 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने UPSC क्लियर कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली जो बात है कि अगर कोई भी गैर ज़रूरी बात होती तो आपको न्यूज़ चैनल्स पर गला फाड़ते हुए एंकर दिखाई देते और अब तमाम चीज़ें कहते हुए नज़र आते। लेकिन जब बात अचीवमेंट्स की आती है, ख़ासकर पिछड़े वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, वो अचीवमेंट्स की खबरें चैनल से दूर हो जाती हैं। अक्सर उन खबरों को आप तक नहीं पहुंचाया जाता। तो मैं आपको उन 28 मुस्लिम स्टूडेंट्स का नाम बताती हूं जिन्होंने UPSC क्लियर किया है और वो अब मुस्लिम समाज में एक जागरूकता फैलाना के साथ साथ अपनी सर्विसेज अब भारत सरकार में देंगे। जुनैद अहमद ने तीसरा रैंक हासिल किया है UPSC के एग्ज़ाम्स में। ज़कात फाउंडेशन के अंदर इन्होंने अपनी तैयारी की थी, साथ ही ज़कात फाउंडेशन अक्सर मुस्लिम स्टूडेंट्स को UPSC एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कराता है और उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। हमें ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस की ज़रूरत है जहां पर हर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन पर भरोसा जताया जाए और उनकी बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें संभाला जाए। क्योंकि बेसिक ही कभी क्लियर नहीं होता और बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। अक्सर कहा जाता है कि ये ब्राह्मण इस पोस्ट पर है, वो ब्राह्मण उस पोस्ट पर है, बट सोचने वाली बात तो यही है ना कि अगर मुस्लिम पिछड़ा हुआ है तो उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। दो रोटी के लिए पूरी मशक्क़त में पूरी फैमिली निकाल देती है, उसके बाद हम टैग्स लगाते हैं कि मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम पीछे है, मुस्लिम कभी आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन ये क्यों नहीं सवाल उठते कि जो सरकारों ने तमाम तरह की सुविधाएं जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, जिसके चलते हम लोग आज तक बेसिक बुनियाद से पीछे हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने हालातों से लड़ते हुए जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उसका नतीजा ये है कि आज 28 स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है UPSC में। हम दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल शाहिद ने 57 रैंक लिया है, गौहर हसन 137 रैंक, अब्दुल शमाया, शफाकत अमान, रिहाना बशीर, शेख मोहम्मद जैब जाकिर, सैयद रियाज अहमद, बुशरा बानो, मोहम्मद जावेद हसन, मिर्ज़ा कादिर बैग, बाबर अली, मोहम्मद शदाफ, शहजाद आलम, फरहात टी, मोहम्मद अब्दुल जलीम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शराफतुल अलाम, आयमान जमल, अर्शी आदिल, अंसारी जैद अहमद, शहीद अहमद, अली अबू बकर, फैसल खान, बशा मोहम्मद, मोहम्मद तौफीक उल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा और 28वें नंबर पर हैं मोहम्मद शाहिद रज़ा ख़ान। मोहम्मद शाहिद रज़ा ख़ान ये वही शख्स हैं जब नजीब अहमद को मारा गया था और इन्होंने ही सबसे पहले आकर बताया था कि क्या हुआ है और उसके बाद AVP के गुंडों ने इन्हें बहुत ही डराया धमकाया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि कुरान की आयत में लिखा है कि डरना मना है और सही बात को बताने के लिए मैं नहीं डरता। और आज इन्हीं शाहिद ने UPSC एग्ज़ाम का क्लियर किया है।
ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है कि मुस्लिम समाज का युवक ना कि सिर्फ जागरूक है, बल्कि वो सही गलत के बीच में फ़र्क समझता है और गलत के खिलाफ खड़ा भी हो रहा है। और जिस तरह से आज के माहौल में जब हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत है दंगा भड़काने के लिए, वहाँ हमारा मुस्लिम समाज का युवक अपनी सहनशीलता का प्रमाण दे रहा है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। पर्पल न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।